ओनली आपका दोस्त, ना मैं मोटिवेशनल स्पीकर, ना मैं बिजनेस कोच। याद रखिएगा, अ सक्सेसफुल बिजनेस रिक्वायर्स वन थिंग विच इज पैशन। इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट ऑनलाइन अर्निंग, अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग जो है वो एक्साइटेड नहीं करती, अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग करने मजा नहीं आता, आप चाहते हैं कि बस आज ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करूं, कल मेरे पास पैसे आना शुरू हो जाए, कल मैं मिलियनेयर बन जाऊं, तो बड़ी माजरत के साथ आप ऑनलाइन इंडस्ट्री में मत आइएगा, आप फेल हो जाएंगे। आप शुरू के 6 महीने में बिजनेस छोड़ के भाग जाएंगे अपने 9 to 5 जॉब के बाद। आप कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं जॉब कर रहा हूं। अच्छी बात है, मैं जॉब को बुरा नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसी जॉब करो जिसमें आपकी स्किल जो है वो इम्प्रूव हो, आगे जाके आपके बिजनेस में काम आए। याद रखिएगा, जब तक आप जॉब कर रहे हैं आप किसी और को कामयाब करने के लिए काम करो, जब आप बिजनेस करते हैं आप खुद के लिए काम करते हैं, आप खुद को जो है वो इम्प्रूव करते हैं। याद रखिएगा कि ऑनलाइन अर्निंग के अंदर, ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर आपने प्रूव नहीं करना, आपने इंप्रूव करना है। क्या कहा मैंने कि ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आपने पैसे कमाने हैं तो आपने किसी को प्रूव नहीं करना, आपने अपने आप को इंप्रूव करना है। अगर आप जो ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर रोज जो नई स्किल्स आ रही है, रोज जो नए टूल्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, अगर आप वो सीखने के लिए एक्साइटेड नहीं है, अगर आप बोर हो जाते हैं, अगर आप दराज पे अपलोडिंग करते हुए बोर हो जाते हैं, दराज का अकाउंट बनाते हुए बोर हो जाते हैं, अमेजोन करने का दिल नहीं चाहता, कॉम्प्लिकेशन आपको लगती है, आप खुद से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, तो बड़ी माजरत के साथ आप ऑनलाइन इंडस्ट्री में मत आइएगा। अगर आप इस वीडियो तक सर्च करके पहुंचे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आपका ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, आप अपने 9 to 5 जॉब से परेशान है, आप चाहते हैं कि मैं अपने मोबाइल से जो है वो पैसे कमाना शुरू कर दूं। जब भी आप यहां पर मौजूद हैं, हमारा दराज का कोर्स चल रहा है, आपको मुबारक हो, हमारा दराज का कोर्स चल रहा है। हमने सीख लिया अकाउंट कैसे बनता है, हमने सीख लिया अकाउंट वेरीफाई कैसे होता है, हमने देख लिया पैकेज मटेरियल जो है किस तरीके से ऑर्डर होता है। आज देखेंगे कि मजेदार डिस्क्रिप्शन के साथ, टाइटल के साथ और अच्छी पिक्चर के साथ जो है दराज के ऊपर प्रोडक्ट किस तरीके से अपलोड होती है, डिस्क्रिप्शन पे लिखने वाला मटेरियल कहां से मिलेगा। जी हाँ, मैं आपको ये बताऊंगा, देखें बहुत से लोग होते हैं इंग्लिश लिखना नहीं आती, वो क्या करेंगे, क्या बैठ के घंटों तक एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखते रहेंगे? नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कैसे मिलेगी। तो टाइम को जाया नहीं करते, चलते हैं इसके रिकॉर्डिंग की तरफ और देखते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन और परफेक्ट प्रोडक्ट किस तरीके से जो है हम दराज पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी रिकॉर्डिंग की तरफ। सबसे पहले आपने जो है वो दराज पर आ जाना है। चलते हैं दराज की तरफ, देखते हैं कि प्रोडक्ट किस तरीके से अपलोड होते हैं। यहाँ तक जिसको नहीं पता कैसे पहुँचे, वो पुरानी वीडियो देख ले, हमारा कोर्स यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद जो है आपने प्रोडक्ट पर क्लिक करना और आपने ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। प्रोडक्ट पे जाएंगे और प्रोडक्ट पे जाने के बाद ऐड प्रोडक्ट पे जब आएंगे आपके पास इस तरीके का जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, मैं लिख देता हूँ क्रॉक माइक, क्योंकि मैं क्रॉक माइक अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कैटेगरी बताएगा, तो जो कैटेगरी आपको सूटेबल लगे आपने उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स लिखनी है। डिटेल लिखने के लिए आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद अगर आपके पास कोई वीडियो है, अगर आपने प्रोडक्ट की कोई वीडियो बनाई हुई है, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे आपने वो पर्सनल ड्राइव के अंदर सेव करी हुई है, आप उसका लिंक भी जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। लिंक डालने के बाद जो है नीचे आप देख रहे होंगे क्या ब्रांड नेम आ रहा है, मैंने ब्रांड नेम में लिखा हुआ जस्ट खरीदो, क्योंकि मैंने जस्ट खरीदो दराज पर रजिस्टर्ड कराया हुआ एज अ ब्रांड नेम। आप चाहें तो उसको नो ब्रांड भी कर सकते हैं अगर आपका ब्रांड नेम जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। कैसे रजिस्टर्ड होता है बाद में बताऊंगा। स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन लिखी है, ऊपर आप स्कोर देख रहे हैं, मुझे बता रहा है कि मैंने एक्सेलेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। आई कहां से है मैंने बैठकर लिखी नहीं है, मैं आपको एक जादू दिखाता हूं। मैंने क्या करा है, मैंने दराज के ऊपर पहले से जो है वो क्रॉक माइक जो है वो खोल के रखा और जिसने सबसे अच्छे इसकी डिस्क्रिप्शन डाली हुई है मैंने सिंपली उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ली। ये आप अमेजोन से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप इसको आई शॉपिंग से भी कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ मैच हो रही हो जब भी कीजिएगा। बिल्कुल एरा गैरा की उठा के नहीं डालनी है, ये डिस्क्रिप्शन मेरी प्रोडक्ट से मैच हो रही थी मैंने डाल दी। इसके अलावा बॉक्स के ऊपर भी जो चीज़ें लिखी हुई है वो भी डाल दें तो वो भी काफ़ी होता है। आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालनी है, उसके बाद जो आपने इंग्लिश में लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डालनी है, उसके बाद फिर आपने एक डिस्क्रिप्शन और डाल दी। मैंने तीनों में सेम डाली है, कॉपी पेस्ट करिए तो आप इसमें कंफ्यूज ना होना और ज्यादा जो है परेशान भी नहीं होना। बस वहां पे मैंने कम पेस्ट करिए, यहां पर ज्यादा करिए। यहां से जो है आप अपनी प्रोडक्ट की जो है पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे, आप सिंपली अपलोड पर क्लिक करेंगे और आपके सिस्टम के अंदर जो पिक्चर होंगी आप उसको अपलोड कर देंगे। अब नीचे आप देख रहे होंगे कि प्राइस आ रहे हैं, मैंने इसके प्राइस 1000 रुपये रखे हैं और मैंने इसकी सेल लगाई हुई है 699। आपने हमेशा अपने प्रोडक्ट पे सेल लगानी है, इससे बड़ा फ़ायदा होगा। अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा रखनी है, आप मैंने कैसे लगाई है ये भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एडिट के बटन पे क्लिक करूँगा,
और एडिट के बटन पर जब मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, मैंने इसकी स्पेशल प्राइस सेलेक्ट करके नीचे टाइम पीरियड एक महीने का सेलेक्ट कर दिया। आप चाहें 2 दिन की भी सेल लगा सकते हैं, आप चाहें 2 साल की भी सेल लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी मैंने 100 रख दी। सेलर SKU आपका जो है वो प्रोडक्ट का यूनिक नंबर होता है, ये खरीदना नहीं पड़ता, कोई भी अपनी मर्जी से नंबर लिख दें, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके इसको पब्लिश कर देना है, इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 days आपकी जो है हो जाएगी। वारंटी के अंदर मैंने 9 वारंटी रखी हुई है। पैकेज वेट के अंदर मैंने रखा है 0.3 kg। पैकेज डायमेंशन मैंने सेंटीमीटर में रखी है 27.7 यानी कि हाइट विद और लेंथ, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट के सेंटीमीटर नाप लेना स्केल से या इंच टेप से तो आपको वो पता चल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ से मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश होने के बाद मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन लेगी, यूजुअली 1 से 2 दिन के अंदर प्रोडक्ट आपकी अप्रूव हो जाती है अगर कोई उसके अंदर खराबी ना हो। तो उम्मीद है कि आज आप सीख गए होंगे कि दराज के ऊपर प्रोडक्ट, परफेक्ट प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से अपलोड होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरीके से करनी है। उसके बाद हमारा जो दराज का ये वाला कोर्स है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे व्हाट टू सेल ऑन दराज। मैं आपको 1 by 1 प्रोडक्ट लाके दिखाऊंगा, उसकी होलसेल रेट बताऊंगा। दराज पे जो मैं हंट कर चुका हूं मैं आपको वही प्रोडक्ट दिखाऊंगा जो डबल पैसों में दराज पे बिकते, ताकि आपको जो है वो प्रॉफिट हो। तो चैनल के साथ बंदे रहिएगा। 100 से ज्यादा प्रोडक्ट आपको चैनल पे लाके दिखाने वाले जो आप दराज पे इजीली परचेज करके जो है वो सेल कर सकते हैं। और ऐसी प्रोडक्ट जो दराज पे सेल भी होती है, ऐसा नहीं कि सेल नहीं होती है, सेल भी होती है और हजारों लोग लाखों दफा वो चीजें सेल कर चुके हैं और आप भी करें, तो वो चीजें भी आपको लाके दिखाऊंगा। थोड़े से आपको रेट्स कम करने पड़ जाएंगे लेकिन शुरू के अंदर आपको ये काम करना पड़ेगा। मार्केटिंग किस तरीके से करनी है वो भी बताऊंगा, लेकिन ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप फाइवर अपवर्क पर बेचने के लिए आइल्स का कोर्स लेना चाहते हैं, 150 से ज्यादा सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जाके वीडियो देखें। अगर पसंद आती है तो परचेज करें, वरना कोई जरूरत नहीं है परचेज करने की। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।